नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है राजस्थान के 4 सांसद पहुंचे पीएम आवास, मोदी कैबिनेट में मिलेगा मौका। एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले दिल्ली में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनने वालों को सुबह 11:30 बजे चाय पर बुलाया था। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर से भूपेंद्र यादव के पास पीएम हाउस में चाय पार्टी के लिए फोन आया था। पहले फेज में इन 4 सांसदों का मंत्री बनना तय है। राजस्थान मूल के अश्विनी वैष्णव को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वह अभी ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। मोदी 2.0 में वे रेल मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपये बढ़ाई। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब 8,000 रुपये सालाना मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा, जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपये की सालाना राशि बढ़कर अब हुई 8,000 रुपये। राजस्थान में कल से प्री मानसून की बारिश शुरू होगी। राजस्थान में सोमवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के 6 जिलों उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में अगले 3 दिन 12 जून तक लगातार आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का भी कहना है कि राजस्थान में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसका प्रभाव आज लगभग खत्म हो जाएगा। आज इसके असर से 11 जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री बोले, लंबे समय से अटकी भर्ती जल्द करें। पूरी दिल्ली से जयपुर लौटने के साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज छुट्टी के दिन अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने प्रदेश में लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही नई भर्ती परीक्षाओं को लेकर विभागवार अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने के आदेश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि आपको जीवन में भलाई करने का अवसर मिला है, युवाओं के भविष्य में देरी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिक्षा विभाग ने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की बैठकें और सरकारी दायरे पर हायने वाली फिजूल खर्ची पर रायक लगाने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी किया है। अब कोई भी अधिकारी सरकारी दौरे कार्यक्रम में स्वागत में न तो पगड़ी पहन पाएगा और न ही उपरणा लेगा। गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह लेने पर भी रायक लगाई गई है। ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा। कर्ज नहीं चुकाने पर अब नहीं होगी बेदखली, कर्जदारों के लिए राहत। स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रोगी होने के कारण कर्ज की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं और परिवार को बेदखली का खतरा सता रहा है, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे परिवारों के पास किस्त रीशेड्यूल करवाने और हर माह किस्त के रूप में आंशिक राशि जमा करवाकर मुश्किल से बचने का विकल्प है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि मुश्किल की घड़ी में फंसे परिवारों को इस विकल्प की जानकारी देकर उन्हें मानवीय आधार पर राहत दिलाएं। राजस्थान में टैल्कम पाउडर से बना रहे जीरा पाउडर राजस्थान में मसालों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। टैल्कम पाउडर से जीरा बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बाड़मेर, अलवर समेत 4 जिलों में 12,000 किलो से ज्यादा गर्म मसाला सीज किया गया है। इनमें कई नामी ब्रांड के मसाले भी हैं, जिनमें अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई में ब्रांडेड मसालों को सीज किया गया है। बाड़मेर से 30 लाख रुपए के एवरेस्ट और MDH मसाले, ब्यावर में 420 किलो जीरा पाउडर, अलवर में शीबा मसाला उद्योग से रायता मसाला के 100 ग्राम के 940 पैकेट जब्त किए, गरम मसाला और चना मसाला के 100 ग्राम के 880 पैकेट जब्त किए गए, पाली में 7,420 किलो मसाले सीज किए। पिछली सरकार की मनरेगा लोकपाल अथॉरिटी की चयन प्रक्रिया निरस्त। मनरेगा में राज्य स्तरीय लायकपाल अपीलेट अथॉरिटी की चयन प्रक्रिया का निरस्त कर दिया गया है। ये प्रक्रिया पिछली गहलाइत सरकार में शुरू हुई थी। इसके निरस्त करने के लिए ए प्रशासनिक कारणाएं का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं।
ज्यादातर नए सरकारी स्कूल कागजों में कांग्रेस के शासन में मंजूर किए गए ज्यादातर नए सरकारी स्कूल कागजों में ही चल रहे हैं। यह स्कूल 2 साल बाद भी शुरू ही नहीं हो पाए हैं। जो स्कूल शुरू हुए उनमें से कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने घरों में ही खोल डाले। बीकानेर जिले में वर्ष 2022-23 में 64 नए प्राथमिक स्कूल मंजूर हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत हुए सभी स्कूल खुल गए, जबकि शहरी क्षेत्र में स्वीकृत 21 में से 9 स्कूल 2 साल बाद भी बंद पड़े हैं। खुले हुए कुछ स्कूल ऐसे मोहल्ले और गलियों में हैं, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी ही अब तक नहीं पहुंच सके। 39,750 बिजली उपभोक्ताओं से 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूलेंगे जयपुर डिस्कॉम की ओर से। इस बार के बिलों में 54 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज लगाकर झटका दिया है। इसके दायरे में अलवर जिले में कुल 39,750 उपभोक्ता आ रहे हैं। इनमें अधिकांश रूप से औद्योगिक इकाई व व्यवसायिक क्षेत्र के उपभोक्ता शामिल हैं, जिनको इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सब्सिडी ले रहे कृषि कनेक्शन ऑफ घरेलू उपभोक्ताओं से यह सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। डिस्कॉम से मिली जानकारी के अनुसार पिछली बार लगाए गए सरचार्ज की तुलना में इस बार 2 पैसे बढ़ा है। पिछली बार यह 52 पैसे लगाया गया था। दौसा में टोल प्लाजा पर हिट एंड रन का मामला। दौसा में एक टोल पर ट्रक ने टोल कर्मी को कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारी भड़क गए और शव को लेकर वहीं धरना देकर बैठ गए। घटना जिले के नांगल राजावतान इलाके में टीटोली टोल प्लाजा पर हुई। जयपुर में गांधीनगर स्टेशन से कल 6 ट्रेन कैंसिल रहेंगी। गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर चल रहे रिडेवलपमेंट के कारण 9 जून को इस रूट से गुजरने वाली कई गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। वहीं अजमेर की ओर आने जाने वाली गाड़ियां अजमेर की जगह खातीपुरा रेलवे स्टेशन से चलेगी। इसके अलावा 2 ट्रेनों को रीशेड्यूल करने के साथ 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वेणुगोपाल बोले, मैंने बेनीवाल से बात की है, वे खुश हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने से नाराज नागौर सांसद हनुमान, बेनीवाल से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बातचीत की। शनिवार को दिल्ली में मीडिया से वेणुगोपाल ने कहा कि मैंने बेनीवाल से बात की है, वे खुश हैं, सब ठीक है। पीएम मोदी बापू और अटल जी की समाधि पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया। वे आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की 3री बार शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 2 बार एक्सटेंशन के बाद भी पूरा नहीं हुआ कार्य। निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल का 55 करोड़ की लागत से बन रहा नया भवन ठेकेदार की लापरवाही व धीमी गति कार्य के चलते अगले 1 वर्ष में भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिला चिकित्सालय के इस नवीन भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन 30 मार्च 2023 को तत्कालीन सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना द्वारा किया गया। अजमेर के JLN में डॉक्टर्स के लिए कॉमन रूम, अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल में कॉमन रूम की शुरुआत की गई है। यहां डॉक्टर्स इंडोर गेम्स खेल सकेंगे और टीवी का भी आनंद ले पाएंगे। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि काम के बढ़ते दबाव में तनाव कम करने के लिए यह पहल की गई है। फैक्ट्रियों के दूषित पानी से नीली पड़ी बांडी। नदी पाली के बांडी नदी में चोरी छुपे फैक्ट्रियों का रंगीन पानी छोड़ा जा रहा है। बांडी नदी की जमीन और नेहड़ा बांध तक नीला पड़ चुका है। जयपुर से जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम आने वाली है। उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए CETP ट्रस्ट की ओर से बांडी नदी में प्रदूषित पानी से नीली पड़ी जमीन को साफ करने के लिए पिछले 4 दिनों से JCB चलाई जा रही है। जयपुर में रेस्टोरेंट में शराब पीते 37 लोग गिरफ्तार। जयपुर में पुलिस ने देर रात 1 बजे फोर्ट रेस्टोरेंट में कार्रवाई कर कर्मचारियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां रात 12 बजे बाद भी शराब परोसी जा रही थी। बजाज नगर थाना पुलिस ने रेड की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस बस बुलाकर सभी को थाने ले गई। पुलिस ने फोर्ट के मैनेजर अशोक कुमार और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का छोड़ेंगे साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नागौर से इंडिया गठबंधन के टिकट पर चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाया था। उन्होंने INDIA गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी दर्ज की, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दावा करते हुए कहा है कि मेरी उनसे बात हुई है और सब ठीक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि बेनीवाल से बात हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि इन्होंने वोटिंग होने के बाद 2 बैठक की लेकिन मुझे नहीं बुलाया, जबकि साउथ की सिंगल मेंबर पार्टी को बुलाया। इन्होंने सरासर मेरा अपमान किया। इन्होंने एक तरफ तो गठबंधन किया
दूसरी ओर मेरी पार्टी तोड़ी। तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।